नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे एएनएम, जेएनएम, फार्मेसी, पैरामेडिकल सभी के लिए। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है 2024 और 25 सत्र में एडमिशन ले लिया है उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। क्या आपके कॉलेज ने आपका एनरोलमेंट करा दिया है, नहीं कराया है, तो उस पर जानकारी अवश्य लें। आइए देखें एनरोलमेंट को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से 5 सितंबर 2024 की नोटिस है और ये सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों को जारी की गई है। इसमें कहा गया है जो मुख्य बातें हैं, आप उनको ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त नर्सिंग का मतलब जेएनएम और एएनएम से है। पैरामेडिकल डिप्लोमा का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक्सरे टेक्नीशियंस, डिप्लोमा टेक्नीशियंस, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस, फार्मेसी सहित सत्र 2024-25 सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका एनरोलमेंट होना आवश्यक है, तभी आपका एडमिशन माना जाता है। अगर आपका एनरोलमेंट ही नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं माना जाता है और आप फिर मुख्य परीक्षाएं जो होती हैं एयरली उन्हें नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्या आपका एनरोलमेंट कराया है आपके कॉलेज ने, ये काम कॉलेज का होता है, लेकिन इसे आपको ध्यान से देखना। देखिए लिखा हुआ है नव प्रवेशित अभ्यर्थियों को कि ऑनलाइन एनरोलमेंट के संबंध में, इसी की दिशा निर्देश में जारी किया गया, कहा गया कि प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्र अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश का अनुपालन करना है। कहा कि एनरोलमेंट पैनल दिनांक 30/9/2024 तक खोला जाएगा और ये आप जो है आपका सेंटर लॉगिन पैनल कार्यालय की वेबसाइट, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसमें आपको चाहिए क्या क्या होगा, देखिए जेएनएम और एएनएम, अगर आपका एडमिशन जेएनएम और एएनएम में है तो आपको जो है इसकी छाया प्रति संलग्न की गई है। अगर आपका पैरामेडिकल डिप्लोमा में है तो इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से या जीव विज्ञान वर्ग से आपका होना चाहिए, गणित या विज्ञान से। यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोट की गई है, यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, कहा गया कि प्रशिक्षण में अनुमान्य सभी विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेशित या एनरोल्ड करें। अगर वो कहीं प्रमाण पत्र में FT यानी फेल इन थ्योरी लिखा है, RT इन रिपीट इन थ्योरी लिखा है, या ग्रेड ई है, या जो है बाकी इस तरीके की डिटेल्स अंकित है, तो उसे एनरोल ना करें। यानी ऐसे लोगों का एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा अगर उनकी मार्कशीट पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लियर है, ऑनलाइन एनरोलमेंट है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र जो आपके हैं वो प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किए जाएँ, फोटो हस्ताक्षर ब्लॉक आवश्यक रूप से अपलोड भी किए जाएँ साथ में, और उनकी जो है यहाँ पर सावधानी पूर्वक भरें जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। और नर्सिंग और पैरामेडिकल में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसे इस तारीख से जो है कैलकुलेट किया जाए कि आप 17 साल के हैं कि नहीं हैं। अगर इससे कम है तो आपका एडमिशन तो कर लिया लेकिन आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, यानी आपका एडमिशन बेकार हो गया। क्लियर है, आप समझ जाइए, आप सब चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ों को देख लीजिए। अगर आपका एनरोलमेंट हो गया यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो क्या आपका एनरोलमेंट हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ कैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अभी, तो उनका तो अभी मेरिट लिस्ट ही आई है, उनके लिए तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया है सत्र में, क्या उन्होंने एनरोलमेंट उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर करा दिया है आपका कि नहीं, ये जानकारी आप अवश्य लें अपने कॉलेज में, और चैनल पर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।